हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़े थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। पर आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, उसका रूल क्या क्या है। रूल नंबर वन, दो इंटीजर लेंगे ए एंड बी, अगर उसका साइन अलग हो, मतलब पॉजिटिव एक नेगेटिव एक हो, ठीक है। ए एंड बी टू इंटीजर्स हम लेंगे, अगर उसका साइन माइनस ए एंड प्लस बी, मतलब उसका ये अलग ये भी अलग, तो हमारा आंसर माइनस ए इंटू प्लस बी का आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस ए इंटू बी ऐसे करके आपको आएगा। ठीक है, मतलब रूल वन क्या कहता है, ए एंड बी का साइन अलग अलग हो तो उसका आंसर के आंसर माइनस में ही आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस टू इंटू फोर माइनस एट आएगा, ठीक है, रूल वन ये कहता है। और रूल टू, रूल नेक्स्ट रूल टू देखते हैं। रूल टू कहता है, अगर हम दो इंटीजर लेंगे और उसका साइन सेम होता है ए एंड बी, और उसका प्लस ए एंड प्लस बी होगा, अगर साइन सेम हो और माइनस ए एंड माइनस बी हो, तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा दोनों का प्लस में आएगा, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। कैसे चेक करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, फोर इंटू एट, ठीक है, थर्टी टू, माइनस फोर इंटू माइनस एट क्या है आंसर, सेम 32। रूल टू हमको ये कहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज के तरफ जाते हैं। यह हमारा रूल वन रूल टू हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर का। अभी उसका मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज को चलते हैं। फर्स्ट हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है, अगर हम दो इंटीजर लेंगे तो उसका मल्टीप्लीकेशन इंटीजर में ही आएगा। ए इंटू बी, दो इंटीजर लेंगे उसका आंसर हमको इंटीजर में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, थ्री इंटू फाइव, ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, और ये भी हमारा इंटीजर हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, ये तो हमारा पॉजिटिव में आ गया, एक नेगेटिव लेते हैं, ये दोनों इंटीजर है, हमारा क्या आएगा, ये भी इंटीजर, ये दोनों हमारा, ये भी दोनों हमारा इंटीजर में आ गए। अगर हम और एक लेते हैं, माइनस थ्री इंटू प्लस फाइव इंटू प्लस फाइव, आंसर हमारा क्या आएगा, फिफ्टीन आएगा। ये कौन सा नंबर रूल है, रूल हमारा रूल नंबर वन है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव,
तो हमारा आंसर नेगेटिव में आया। पर ये नेगेटिव आने के बाद ये भी एक इंटीजर, तो रूल कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी का रूल कहता है, अगर आपका दो इंटीजर लिया तो उसका आंसर इंटीजर में ही आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ए इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए। हम जो भी इंटीजर लेंगे, दो इंटीजर लेंगे तो उसका प्लेस हम चेंज करेंगे तो उसका आंसर भी सेम ही आएगा, ए इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं एग्जाम्पल लेके। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ कहता है, थ्री इंटू सिक्स इजिकल टू सिक्स इंटू थ्री। ये हम जानते हैं। ठीक है, माइनस थ्री इंटू माइनस सिक्स इजिकल टू माइनस सिक्स इंटू माइनस थ्री, हो गया हमारा आंसर क्या है, एटीन। एटीन हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम कितना डिजिट लेंगे, कितना इंटीजर लेंगे, इधर इधर हमारा इंटीजर चल रहा है तो कितना इंटीजर लेंगे, तीन इंटीजर लेंगे, ए ए बी एंड सी। ठीक है, तो उसका लॉ क्या कहता है, ए इंटू बी इंटू सी इजिकल टू ए इंटू बी इंटू सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है। एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस फोर इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस सिक्स इजिकल टू माइनस फोर इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस सिक्स। चेक करते हैं, ट्वेंटी इंटू माइनस सिक्स माइनस फोर इंटू थर्टी माइनस वन ट्वेंटी, ये भी हमारा माइनस वन ट्वेंटी हो गया। एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया, हमारा सेम आंसर आया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी। ठीक है, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए इंटू बी प्लस सी, इधर भी हम तीन डिजिट लेंगे, तीन इंटीजर ए एंड बी एंड सी, थ्री एनी इंटीजर। ठीक है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एग्जाम्पल, फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स, फोर इंटू माइनस फाइव प्लस माइनस सिक्स, ये फोर इंटू माइनस फाइव प्लस फोर इंटू माइनस सिक्स। ठीक है, ये हमारा फोर इंटू माइनस इलेवन इजिकल टू माइनस ट्वेंटी प्लस, ये हमारा माइनस ट्वेंटी फोर, तो ये हमारा चला जाएगा माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फोर, कितना आएगा आंसर। नेक्स्ट, माइनस फोर्टी फोर इजिकल टू इधर माइनस फोर्टी फोर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारा माइनस है, हो गया माइनस फोर्टी फोर, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है,
फॉर एनी इंटीजर ए मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू आंसर उसका ए ही आएगा। अगर ए एनी इंटीजर देन ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो 1 इधर क्या है, द इंटीजर 1 इधर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इधर ये 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का आंसर आएगा, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टीज कहता है कि a इंटू 1 इज इक्वल टू आंसर हमारा a आएगा, मतलब 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है, एनी इंटीजर ए इज इक्वल टू एनी इंटीजर ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एग्जाम्पल 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, कुछ भी आप इंटीजर ले लो उसके साथ 0 मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। अभी डिविजन्स ऑन इंटीजर्स देखेंगे। रूल क्या कहता है, अगर दो इंटीजर लेंगे ए एंड बी, टू इंटीजर्स, ठीक है, उसका डिविजन क्या कहता है, और उसका साइन अलग अलग हो, डिफरेंट साइन हो, तो उसका आंसर आपको माइनस में भी है, माइनस में आएगा, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल -36 डिवीजन 9 -4, ये हमारा एक साइन है, इधर एक साइन है, पॉजिटिव है, तो दोनों साइन हमारा अलग अलग है, डिफरेंट साइन है, ठीक है, पॉजिटिव इधर नेगेटिव, डिफरेंट साइन हुआ तो आंसर हमारा नेगेटिव में ही होगा, ठीक है। अगर ए प्लस ए एंड माइनस बी लिया तो ये भी माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। जो भी ले लो आपको डिफरेंट साइन हुआ तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 72 डिवीजन -8 हमारा -9 आ गया, हो गया। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ये हमारा अलग अलग साइन का इंटीजर लिए थे, और नेक्स्ट रूल कहता है सेम साइन ए एंड बी सेम साइन हो तो उसका रिजल्ट आपको किस कैसे आएगा, आपको प्लस साइन में आएगा। एग्जाम्पल 42 डिवीजन 7 लिया तो 6 -42 डिवीजन -7 लिया तो सेम 6, ये हमारा सेम साइन है, ठीक है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। नेक्स्ट 56 डिवाइडेड बाय 8, ये है इधर इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, कितना है, ये हमारा आंसर। ऐसे करके आपको सेकेंड रूल कहता है, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन देखेंगे।
प्रॉपर्टीज डिवीजन कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है, अगर ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, एनी इंटीजर्स, देन ए डिवीजन बी का आंसर आपको जरूरी नहीं है कि इंटीजर में ही आए। क्या उसका मीनिंग है? 12:3 = 4, ये हमारा इंटीजर है, ठीक है। ये हम दो इंटीजर ऐसे ही लिए तो उसका आंसर इंटीजर में आ गया। हम ऐसे ही और भी इंटीजर ले सकते हैं, जैसे कि 15:4, ठीक है, उसका आंसर हमारा इंटीजर में नहीं आएगा, नॉट एन इंटीजर, ठीक है। ये हमारा डेसिमल में आ जाता है, डेसिमल में आया तो वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। नेगेटिव में आया तो इंटीजर है, पर 15:4 हमारा, 4 का आंसर हमारा इंटीजर नहीं है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये कहता है। सेकंड क्या कहता है? इफ ए इज एन इंटीजर एंड ए नॉट इक्वल टू 0, इफ ए इज एन इंटीजर एंड ए नॉट इक्वल टू 0, देन ए डिवीजन ए इज इक्वल टू 1। मतलब ए अगर 0 नहीं होगा तो ए बाई ए इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल 1 division 1, 2 division 2, 1, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है, इफ ए इज एन इंटीजर देन ए डिवीजन 1 इज इक्वल टू ए, ठीक है। इफ ए इज एन इंटीजर देन ए डिवीजन 1 इज इक्वल टू ए, 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। 4:1 इज इक्वल टू 4, 5 - 5:1 इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो आंसर आपको ऐसे आना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रख के इक्वेशन करना है। नेक्स्ट, इफ ए इज ए नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है, इफ ए इज ए नॉन जीरो इंटीजर देन 0:a इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0:a इज इक्वल टू 0, बट ए डिवीजन 0 इज नॉट मीनिंगफुल। इसका मीनिंग कुछ नहीं है, मतलब ए डिवीजन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ठीक है। एग्जाम्पल इसको, ये आपको याद रखना है और ये भी, ये आपको वन मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। 0:5 = 0, बट 5:0 = नॉट मीनिंगफुल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इफ ए बी
सी आर इंटीजर्स देन ए डिवीजन बी डिवीजन सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवीजन बी डिवीजन सी, ठीक है। पर बट सी अगर आपको वन होगा तो जाके आपको ए डिवीजन बी, अगर सी वन होगा ए डिवीजन बी डिवीजन सी इक्वल टू ए डिवीजन बी डिवीजन सी होगा। बस ये कंडीशन में ये रूल सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज ये होगा, मतलब नॉट इक्वल टू ए, ठीक है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ए इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 2। तो हमारा फर्स्ट क्या है, 8 डिवीजन 4 डिवीजन 2 कितना आता है, 2 डिवीजन 2 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 8 डिवीजन 4 डिवीजन 2 इज इक्वल टू 8 डिवीजन 2 4 आता है, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। ए इज टू बी सॉरी डिवीजन सी नॉट इक्वल टू ए डिवीजन बी डिवीजन सी हो गया। नेक्स्ट अगर आपको सी इज इक्वल टू 1 आ गया ना, तो आपको वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, ए डिवीजन बी डिवीजन सी, ए डिवीजन डिवीजन बी डिवीजन सी इज इक्वल टू ए डिवीजन बी डिवीजन सी, वो आपका सेटिस्फाई होगा। बस सी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, नहीं तो आपका नॉट इक्वल टू होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इफ ए बी सी आर इंटीजर्स एंड ए ग्रेटर देन बी देन फर्स्ट ए डिवीजन सी ग्रेटर देन बी डिवीजन सी इफ सी इज पॉजिटिव, ये भी आपको याद रखना है। सेकेंड ए डिवीजन सी लेस देन बी डिवीजन सी इफ सी इज नेगेटिव। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 27 ग्रेटर देन 18 एंड 9 इज पॉजिटिव इम्प्लाइज 27 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। इधर 9 हमारा सी है, 27 डिवाइडेड बाय 9, 18 डिवाइडेड बाय ग्रेटर देन 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 हमारा पॉजिटिव है, इसीलिए ये कंडीशन हो गया ये। नेक्स्ट नाइन अगर नेगेटिव होगा, 9 नेगेटिव होगा तो 27 डिवाइडेड बाय माइनस 9 लेस देन 18 डिवाइडेड बाय माइनस 9, ये हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। इधर सी हमारा 9 है तो साइन 9 हमारा नेगेटिव है, गिवन है, तो ये कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको निकालना है। थैंक यू।